हेलो गुड मॉर्निंग। हाँ, जैसे लास्ट वीडियो में आप लोगों के देखा, आप लोगों ने देखे बेटे को मैं छोड़ के आई स्कूल पे, नौबार में दोनों आज गई हुई थी। और उसके बाद जैसे कि मैं बोली, मुझे थोड़ा सा बाहर काम है और जाना है। आज दूध वगैरह भी खत्म, वन ड्रॉप दूध भी नहीं, तो मुझे थोड़ा बहुत काम है। पता नहीं नवा कहाँ लेके जा रहे, तो दूसरे साइड पर देखती हूँ। आज बहुत सारा काम है और हाथ में टाइम है सिर्फ 1.5 आवर्स। आई डोंट नो कैसे खत्म होगा क्या नहीं होगा, बट देखती हूँ। कुछ ना कुछ तो सोचना है, तो चलो जो भी करना है आज, जो भी हम लोग करेंगे, तो आप लोगों के साथ तो शेयर करना है, क्योंकि विदाउट फैमिली कोई काम नहीं होता है ना। तो चलो फिर आप लोगों को साथ लेके ही चलती हूँ जहाँ पर भी जाना है। और तो चलो आप लोग भी इंजॉय करते रहो और मैं भी वो गार्बेज लेने के लिए आया। देखें, देखो ये बस स्टॉप है ना, ये जो ट्रक देख रहे हो, ये गार्बेज चेंज करने के लिए आते हैं हर बस स्टॉप में। बी क्लीन ये बी क्लीन आते हैं हर, देख रहे हो, गार्बेज चेंज करे हर बस स्टॉप पे, गार्बेज चेंज करने के लिए आ जाते हैं सुबह सुबह। और ये जो बस है, हम मेरे जो घर के सामने जो रास्ता है, मतलब रोड जो है, उसमें आना जाना होता है इनके। क्या है, सुबह सुबह किसी ने दो डॉग लेके निकले पुपी सुसु करवाने के लिए। इतना शर्माता है। देखो 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 कैसे शर्मा जाता है। शर्मा कैसे, सारे शर्मा नहीं शर्माना। देख के लग रहा होगा मैं घर पहुंच गई हूँ, तो दिखा दूँ एक दो चीज। तो ये जो मैं होम डिपो से, इस बार ज़्यादा नहीं बट फिर भी थोड़ा बहुत होम डिपो से मैं लेके आ गई, थोड़ा बहुत प्लान, ज़्यादा नहीं लग रहा है बट है एक्चुअली बहुत ज़्यादा ही। और ये तो प्लान फूड, क्योंकि समर में ही मिलता है प्लान फूड, अदरवाइज नहीं मिलता है, तो चलो ये लेके आई हूँ। और एक मुझे मिला है, चलो बन जाए तो सही है, हो जाए तो सही, अदरवाइज तो क्या है, सत्यानाश। और मेरा घर पूरा बिखरा हुआ है कि सुबह सुबह मैं निकल गई नवा के साथ आज। और ग्रॉसरी, थोड़ा बहुत ग्रॉसरी, मतलब धनिया पत्ता, बैगन, ब्रेड और दूध मुझे धोना है। पता है आप लोगों को धनिया पत्ता जो मुझे धोना है, बर्तन पड़ा हुआ है जो मुझे धोना है, तो सोच लो धोना है मतलब धोना ही है। तो चलो मैं काम खत्म कर लेती हूँ, क्योंकि अभी तो सारा काम पड़ा हुआ है। और बैकयार्ड का दरवाजा बंद कर दी, तो बहुत हवा दे रहा है, आज बारिश होने वाला है, तो
आज नबा इसलिए बोले कि आज मैं प्लांट्स मत लगाना क्योंकि बारिश होने वाला है, तो बारिश जब होगा तब तो कुछ नहीं कर सकते, थोड़ा ज़्यादा ही ठंड हो जाएगा, तो मैं आज नहीं लगाऊंगी, कल सुबह सुबह देखती हूँ इधर क्या होता है उसी के हिसाब से हाँ मैं लगा दूंगी। ऐसे ही सीड वगैरह ये लेके आई हूँ, देखते हैं हो जाए। मैं ना कभी नहीं लेके आई ये चीज़, और मुझे लास्ट टाइम मैं भाभी के घर पे देखी हुई थी, भाभी के घर पे हुआ था, मतलब अंदर ही भाभी ने लगाए थे, तो तब भी मैं सोची कि शायद हो जाएगा, मुझे नहीं पता, इस बार भाभी को भी मैं पूछूंगी कि भाभी होता है तो मैं लगाऊंगी, अदरवाइज ऐसे रख दूंगी, देखा जाएगा बाद में। लेके तुम्हें आ गई, मुझे नहीं पता होता है क्योंकि मैंने कभी नहीं लगाई, भाभी को देखती हूँ भाभी लगाती है, तो इस बार भाभी को मैं पूछ लूंगी एक बार। और भाभी का भी वीडियो देखेगी ना, भाभी को भी वो वीडियो में भी बोल दी कि भाभी को पूछना, हाँ क्योंकि भाभी लगाती है ये जो बाल पे ना वो लेके, मैं कभी नहीं लगाई, तो देखते हैं हो गया तो अच्छी बात है ना। तो मेरी आदत है, आज नहीं है, हमेशा से ही है, जैसे मैं आते ही दूध को नहला देती हूँ, दूध दोनों दूध को ही मैं इन दोनों को मैंने नहला दी, इन दोनों को शावर दे दी, तो इनको रखना है फ्रीज पे तुरंत, क्योंकि एक चीज़ आप ज़्यादा देर बाहर नहीं रख सकते हो, तो ऐसे वाला चीज़ को ना पहले उसको खोलो फ्रीज में रख लो सेफ्टी, उसके बाद आप दूसरा काम कर लो। जैसे धनिया पत्ता, धनिया पत्ता मुझे मुझे लगता है मैं भिगा दूँगी, टाइम लगेगा धनिया पत्ता के लिए, तो मैं इसे भिगा देती हूँ, मिट्टी निकल जाएगा, तो फिर मैंने उसको स्ट्रेन करके फिर उसको अच्छे से सूखा के फिर मैं जैसे मुझे मेरा प्रोसीड्योर होता है मैं जैसे रखती हूँ ऐसे रख दूँगी। ये मेरी तो मैं आज आप लोगों को दिखा रही हूँ इसलिए मैं करती हूँ, ये मेरी आदत है इसलिए मैं करती हूँ, आज से नहीं साल भर हो गया, और ऑनेस्टली बोलूँ इसकी आदत मेरी माँ ने मुझे बना दी, क्योंकि माँ को मैं देखती हूँ, माँ को देखती थी बचपन में, तो वही चीज़ मैं कहना रहा है, तब भी बहुत छोटी सी 21-22 ऐसा कुछ एज में थी, तब भी लगा नहीं वो करना है ऐसे ही होता है, बन चुका है वो आदत, बना लो अच्छी चीज़ की। आप लोग के ये सामने में कुछ देर के बाद ही आ रही हूँ बेटे को लेने, और चलो मेरे साथ आप लोग भी, क्योंकि जैसे कि आपको बोली थी आज मैं गई थी होम डिपो पे, और होम डिपो से मैंने थोड़ा बहुत प्लांट जो लेके आई वो आप लोगों को मैंने दिखाई, तो मैंने ऑलरेडी मैंने लगा भी दी, बट ऑलमोस्ट हाफ लगाई, फुल लगाना नहीं हुआ, हाफ लगा दी मैंने, तो और कुछ बाकी है अभी लगाना, वो आके शाम को देखती हूँ, और नहीं तो क्योंकि एक्चुअली बारिश शुरू हो गया हुआ था, थोड़ा थोड़ा बारिश गिर जाए और ना ठंड लग रहा था मुझे, तो मैं बोले चलो ठीक है अभी नहीं लगाती हूँ बाद में देखती हूँ। और मुझे याद नहीं है मैंने आप लोगों को वेलकम करी आज, याद नहीं है यार, तो चलो हवा दे रहा है, बारिश हो रहा है, इसी के साथ आप सबको आपकी खुद की फैमिली डेली क्रेजी लाइव है पियाली पे, वार्म वार्म एंड हवादार बारिशदार वेलकम, मैं हूँ पियाली आपकी सबके प्यारी। तो थोड़ा बहुत थकान है आज क्योंकि सुबह से आज भाग रही हूँ, पहले नवा के साथ गई, ऐसे कि आप लोगों ने देखे मैं फेस्को गई हुई थी, नहीं फर्स्ट गई हुई थी नवा के, हाँ शाम का जहाँ पे जो आप होटल में करते उधर कुछ देना था, वो देने के लिए मैं गाड़ी पे बैठ गई, मैं नहीं उतरी, और उसके बाद गई सीधा गई होम डिपो, होम डिपो से फेस्को, फेस्को से घर, और मैंने बोली मुझे कैनेडियन टायर जाना है, नवा ने बोले नहीं अभी नहीं जाना, नहीं जा पाई, तो जाऊँगी देखती हूँ कब टाइम मिले। और मैं आज सोची थी मैंने कपड़ा वगैरह पहन के चेंज भी नहीं की, मैंने शूज़ वो पहन के ना मैं निकलने लगे, फिर बोले यार बारिश होने वाली है कहाँ जगह मैं अटक जाऊँ, नहीं गई इसलिए, और अभी हो रहा है बारिश, देखो ऐसा लग रहा है कि बेटे को भी छुट्टी हो जाता मैं भाग के घर चली जाती, बारिश हो रहा है, तो चलो आप लोग भी इंजॉय कर लो बारिश, और मैं कहाँ के इंजॉय की बात बोलूँ, भीग रही हो की ठंड, अब तो पता ही आप लोगों को बच्चे लोगों का ठंड क्या है, वो देखो मुझे लग रहा है ठंड, और मेरे बेटू जी को देखो बच्चे बड़े होने के बाद क्या क्या करते हैं, सुनता है बात, बिल्कुल बात नहीं सुनता आजकल, जानते हो आप लोगों का जो छोटू है ना नमन बहुत बदमाश होते जा रहा है, Thank you.
অবকাল লাগছে কি প্যান্ট খুলে যাচ্ছে নাকি? তুমি কাঁদছো কেন? প্যান্ট খুলে যাচ্ছে নাকি? প্যান্ট সবাই দেখে বলবে এ নমন নমন নমনের প্যান্ট খুলে যায়, এ নমনের প্যান্ট খুলে যায়। নো পাপি গার্ডেন, হোয়াট ইউ আর? পাপি গার্ডেন। পাপি গার্ডেন, হোয়াট ইজ মিনিং? পাপি গার্ডেন, পাপি গার্ডেন, ওকে। सब लेके आई तभी तो आप लोगों को दिखाई ना। और क्या दिखाओ? हाँ, ओके, बहुत सारी चूज करनी है आशीष। एक्चुअली क्या है ना, जो लोग एडमिंटन में हो मैं उन लोगों को बोलूँ, क्योंकि मैंने खुद होम डिपो में काम की हुई थी कुछ दिन, तो इसीलिए मैं बोल सकती हूँ। होम डिपो में गार्डन सेक्शन का क्या होता है, बहुत अर्ली मॉर्निंग जाना होता है, तो आपको अच्छा अच्छा प्लान मिल जाएगा, क्योंकि होम डिपो का जो प्लांट है ना बहुत अर्ली मॉर्निंग पहुंच जाता है, ऑलमोस्ट 5 o'clock पहुँच जाता है। तो उसके बाद बाद मतलब जब 7 o'clock स्टोर खोलते हैं ना, तब तुरंत जाओ तो अच्छा अच्छा पता उस टाइम में मिल जाता है। तो आज हम लोग ऐसे ही निकल के बेटे को छोड़ के हम लोग निकल गए हुए थे, तो मिल गया। तो चलो बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि नौबा के पास टाइम नहीं था इसलिए ज़्यादा नहीं ले पाई, तो जाऊँगी, देखते हो कब टाइम मिले। क्योंकि ऑनेस्टली बोलो इस बार ज़्यादा कुछ लगाने का नहीं, क्योंकि हाथ में बहुत बहुत ज़्यादा पेन है, जितना कर पाना है उतना ही करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं, तो देखते हो कितना है। बट नौबा बट एक्चुअली घर का जो प्लांट है ना उसको मुझे चेंज करना है उसका बाकी, तो मैंने पहले आप लोगों को बोली हुई थी, उसके लिए थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा एफोर्ट मुझे देना है इस तरह। तो चलो घर अंदर घुस के बात करते, क्योंकि घर कुछ घुसने के बाद ही मैं अभी कैमरा ऑन की, तो धनिया पत्ता को मैं सब दिखा रही थी ना, मैं चलो एक बार आप लोगों को दिखा दूँ। बहुत प्यार से इन लोगों ने अभी सोने के लिए छोड़ दिए, मैंने धो ली थी स्टैंडर पर, मैंने पानी सोख कर ली, अभी देखो थोड़ा थोड़ा पानी है, इसको मैं छोड़ दूंगी ना ऐसे तो ख़राब हो जाएगा, देखिए थोड़ा थोड़ा पानी अभी भी है, तो इसको मैं ऐसे नहीं रख सकती। अभी इसको क्या करना है, जैसे मैंने कपड़ा बिछा लिया इसके ऊपर ये रख लेना, थोड़ा सा मैंने इसको ऐसे से हिला दूंगी, तो जो ऊपर का है तो नीचे हो जाना है, नीचे के ऊपर हो जाना तो क्या होगा, और इसको मैं ऐसे ही पूरा रात मैं छोड़ दूंगी बाहर, तो समझ जाओ। जब आपके पति बोले ना जानवा जाने से पहले मुझे ऐसे बोला, आप मुझे ना जैसे आज जैसे मैं जल्दी खा रहा रही हूँ आज के आज ना जैसे रोटी वगैरह खा लूँ, कितना अच्छा लगता है ना, मैं थोड़ा सा मैंने क्या बोलने लग रहा है, छुट्टी खाते रोटी खाता अच्छा लगता ना, छुट्टी है अभी तो जॉब जा रहे, कि घर का नहाना वहाना हो, नहीं नहाना नहीं होता, याद है जब मैंने पेड़ पौधा लेके मैं आ रही थी, जब मैं होम डिपो गई पानी के टाइम पे, मैं बोली ना जब सामान था गाड़ी पे, पेड़ पौधा भी था, तो फिर उसके साथ मतलब फ्रिस्को गई थी उसका सामान था, होम डिपो का पेड़ पौधा भी था, तो फिर ज़्यादा हो गया था, तो नबा ने काटना अपना ही था, अपना घर के सामने फुल्ली सब फ्रंट पे लेके आ गए हुए थे, तो वो लेके जैसे घर पे घुस रहा, मुझे ऐसे बोलते जाए मुझे ना ये चाहिए, मुझे समझ नहीं आया, फिर मुझे बोल ले क्या बात क्या यार पूरा क्लियर करो, मैं ना आधा कप के बाद मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि इधर ना मेरा दिमाग नहीं है बहुत काम है, तो हंस रहे ना, हंस क्यों रहे हो, पूरा क्लियर करो बात को, तो मुझे बोल आज रोटी बन सकता है, क्योंकि उनको पता है, क्योंकि नवा को ना रोटी खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो सच्ची बोलो इसलिए मैं रोटी को मेरे घर पे रोटी बनता ही नहीं है, आज रोटी के लिए बोल दे उसको पता है ना शौक हो ही जाना था, तो देखते हैं रोटी मतलब जब भी मैं रोटी बनाने की कोशिश करूँ तब वैसे बोलना है रोटी बना रही हो थोड़ा सा ऑयल ऑयल से शेसे की दो फिर पराठा बन जाएगा, ये नहीं समझते रोटी का बेलना पराठा का बेलना ना, मेरे बाबा मुझे बोले कि भाभी के घर जाना है, मुझे नहीं पता मुझे लेके जाना है कि नहीं, बट घर आके ही जाना है नवा को, मुझे ही पता है नवा खुद भी अकेला भी जाए ना घर आके ही जाना है, तो मैं नवा के हाथ थोड़ा सा भाभी के लिए भी भेजूंगी, क्योंकि बना जब रही हूँ टेस्ट भाभी को भी करूंगी थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा ही टेस्ट करूँगा। ये देखो मैं आलू को फ्राई करने लगी हूँ, बेटा बैठा हूँ अपना गिटार लेके और उसी का साउंड आप लोगों को शायद और कुछ नहीं। सॉरी फॉर दैट, एक्चुअली मेरे एक फ़ोन फ्रेंड की फ़ोन आ चुके थे तो इसलिए मैंने इसे पहले नहीं दिखा पाई, बट कुछ नहीं की, आलू जैसे ही फ्राई हो गए ना उसके अंदर मैंने हल्दी दे दी और आलू ऑलमोस्ट गल चुके हैं, और मैं थोड़ा सा चने का दाल बॉयल करके रखी हुई थी जो मैं पहले बोल रही थी, वह चने का दाल मैंने दे दी इसके अंदर थोड़ा सा ही, और धनिया पत्ता जो चने का दाल पहले डालने से पहले जो मैंने मसाला बनाया ना धनिया पत्ता ग्रीन चिली एंड अदरक,
उसको देके मैं थोड़ा सा, मतलब उसको भूनना नहीं है, देके ही पानी दे देना है, मतलब उसका जो फ्लेवर है वो आप जब भूनोगी ना फ्लेवर खत्म, इतना नहीं होता। तो इसके लिए मुझे इसको बॉयल, मतलब जब सब्जी अभी बॉयल होगा ना उसी के साथ इसका फ्लेवर निखर के आना है। बहुत मुझे नहीं पता इसका रेसिपी, बट ये है कि आज मैं बनाई अपना एक रेसिपी जो जिसके अंदर प्याज लहसुन कुछ नहीं डालना था मुझे, तो ये झटका सा कुछ बनाना था, मैंने बना ली खा के। अभी जो मेरे घर के गिनी पिग है, मतलब नबा, और खा के देखती हूँ क्या बोलते हैं। ये जो मैंने आपको बोली ना सब्जी बनाना था, तो उसके बाद मैं सब्जी तो बन गया था, और तो आलू जो मेरा लोहे का कड़ा जिसमें मैंने फ्राई करती हूँ ना मैंने पूरी वगैरह, उसमें है मेरे पकौड़ा वाला ऑयल, तो उसमें मैंने नहीं फ्राई कर सकती हूँ। तो अभी मैं फ्राई कर रही हूँ पूरी, पूरी बोलो भटूरा बोलो कुछ भी बोल सकते हो, बट ये फुल्ली मैदे का नहीं है, 90% आटा है इसमें। क्या आपको बोली, मुझे थोड़ा सा इसको बॉयल करना था, मैंने थोड़ा सा ढाक के, ओहो कैमरा क्या हो गया। अरे इधर बना रही हूँ पकौड़ा, नवाने का टाइम हो रहा है, तो मैं बोले चलो थोड़ा सा चाय पकौड़ा, तो चाय के साथ ट्राई तो बन ही सकता है ना। तो भाई हाक है कभी कभी पतिदेव का भी कुछ अच्छा खाने का, और वेदर भी आज बहुत ही मतलब मज़ेदार वेदर है, बस फानी वेदर की वो बोले कि बारिश होना है, बट अब तक बारिश हुआ नहीं है, तो इसके लिए कोई मेरी जो प्लान है वो सारा चौपट हो गया। और क्या करें, अभी उधर वो है ये जो मैंने बना के रखे बैटर, मतलब दाल की जो पेस्ट बनाई वो है, और इधर बन रहा है सब्जी, इधर बनेगा पकौड़ा। फिर चाय के लिए मैं पानी तैयार करके रखी, आने के तुरंत आने से पहले मैं चाय के लिए पानी गरम गरम कर दूंगी तो हो जाएगा। हो गया है आराम। ये जो पकौड़ा है ना इसका भी रेसिपी मत मांगना, क्योंकि ये रेसिपी भी अपना ही है, कुछ अलग ही है, कुछ कुछ जो भी था उसको मिला जुला के मैंने बना दी। एक्चुअली ये मसूर की दाल, मुझे मेरे पास पीसा हुआ था थोड़ा सा मसूर का डालना, मेरा भिगा हुआ था, दोनों मिक्स कर दी, मैंने बता दे दी, बन गया पकौड़ा। तो चलो, एक्चुअली हेल्दी है मसूर का दाल, बहुत हेल्दी होता है, तो हमें कम डॉक्टर को दे दी कैसे, मसूर का दाल हेल्दी होता है, तो चलो ठीक है आज दिस एनफ फॉर यू, अरे मोर आगे फिनिश करो। तो चलो और भी बन रहा है, थोड़ा सा ही बचा हुआ था मसूर का दाल, एक्चुअली मैंने उस दिन पीसी हुई थी बड़ा बनाने के लिए, तो मसूर का दाल के साथ प्याज के साथ फिर बड़ा बनता है ना, हम लोग बोलते हैं बड़ा, नॉर्मली इसको बोलते हैं पकौड़ा, तो बनाना था, तो मैंने पीस तो ली थी बट बना ही नहीं थी, तो मुझे लगा चलो अभी इसका काम पर लगा देती हूँ, और क्योंकि मैं फ्रिज में रख दूँगी ना फिर रह जाएगा। मेरा एक थोड़ा सा स्टीक है, मुझे मिल नहीं रहा, एक मैंने मतलब पलटने के लिए, पकौड़ा पलटने के लिए, बट मुझे मिल नहीं रहा, पता नहीं कहाँ रखा हुआ है। चलो इसमें बना लेती हूँ फिर, जो ऑलरेडी बन चुका है कुछ थोड़ा सा बाकी आ रही बनाना है, और सब्जी का भी, सब्जी भी बन चुका है, मैं बाद में आप लोगों को दिखाती हूँ सब्जी का लुक कैसा हुआ। एक्सपेरिमेंटल पकौड़ा है, अच्छा बना तो आप लोगों को दिखाऊंगी, मतलब आज का सब्जी भी नबाई गिनी पिग है, आज का ये जो है पकौड़ा जो है ये भी नबाई गिनी पिग है, तो मेरे टेस्ट का कैसे बनेगा नबा देख, मतलब ये मैं दोनों को और आपको आप लोगों को फुल्ली रेसिपी मैं तभी दे सकती हूँ जब नबा भी खा के मुझे बोल दे यस रियली गुड, सो अदरवाइज मैं कैसे दे दूँ, एक घट ऊट पटांग सा मैं रेसिपी बना देती हूँ, तो फिर किसी को भी मैं खिला देती हूँ, किसी को भी तो नहीं खिलाते, नवा कोई नवा ही खाते हैं और कौन खाएगा मेरे घर पर, ऐसे वह तो कोई हुए नहीं ऐसे गिनी पिग वाला खाने के लिए। तो चलो बन जाए, मेरा जो लोहे का कढ़ाई है ना बहुत मज़ेदार कढ़ाई है, बहुत अच्छा कढ़ाई है। एक्चुअली नवा आ चुके हैं और ये चा पकौड़ा ऑलमोस्ट खत्म, ये चाय नवा फिर चाय, तो चलो चाहे नवा के वॉशरूम पे जस्ट ऐसे ही एक्चुअली नवा भी बोले, मुझे लगा था कि हम नवा जा रहे हैं भैया के घर पर, नवा बोले कि नहीं मैं भैया आ रहे, तो मैं बोले चलो ठीक है चाय पकौड़ा एंजॉय कर लो, और उसके बाद नवा का जो थोड़ा सा काम है भैया के साथ नवा की, तो चलो मैं अभी चाय एंजॉय कर लेती हूँ, क्योंकि भैया के कि मैं भैया के लिए भी बैठ बोलूँगी तो भैया के लिए बैठ जाने के लिए भैया चाय पीते रहेंगे, सबसे बड़ी बात
भैया को जूस वगैरह कुछ दे दो, इज ओके, भैया चाय नहीं पीते हैं तो भैया के लिए चाय के लिए बैठना कोई, पर भाभी आ जाते हैं तो मज़ेदार हो जाता है क्योंकि भाभी चाय बनाते भी बहुत अच्छी है और पिकट पीते भी है, तो बहुत भाभी आते हैं तो चाय पीने के लिए मज़ा आ जाता है। बट भाभी नहीं आ रही, भैया डायरेक्ट जॉब से आना है, तो नवा ने मुझे अभी ये इन्फॉर्मेशन दी है, तो चलो मैं चाय पी लेती हूँ उसके बाद बातें करती हूँ आप लोगों के साथ, और आप लोग मेरी चाय और पकौड़ा इन्जॉय कर लो। और दूसरी बात, मैं आप लोगों को एक पकौड़ा की रेसिपी और ऑफकोर्स एक दिन दूंगी, बहुत मज़ेदार बना है जो नवा ने मुझे बोला। नवा का कहना है पकौड़ा बहुत अच्छा बना, तो फॉर मी ये आज मैं पहली बार ट्राई की, जैसे मैंने बोली आज गिनी पिक था नवा, तो नवा को अच्छा लगा, इस बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, क्योंकि नवा ने सब्जी भी ट्राई कर ली, आखते ही देख के मुझे बोले मैं ट्राई कर लो करके बोले सब्जी बहुत अच्छा बना, तो टाइम स्टार्ट्स न्यू क्रिएशन। चलो मैं चाय पी लेती हूँ फिर बात करते हैं आप लोगों के साथ, क्योंकि चाय थोड़ा सा इन्जॉय कर लो, बहुत हेले को रहा है।